소로 때문에 진짜 बिरयानी और ये भाई बिरयानी में गोश्त गोश्त जो है उस्मान भी खा रहा है। हाँ ये माशाल्लाह अल्लाह वबरकातुहू नए व्लॉग में वेलकम भाई। आज हमारा एक काम है जो कि कज़न कैलेंडर हो रहा है तो वहाँ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल का काम हो तो वो भी मैं कर लूँगा उनके लिए, कुछ फ़ायदा तो उनको दे देते हैं तो वो देखते हैं वो क्या हाल है उनका। अंगूर वगैरह आ चुके हैं, केला अंगूर और यहाँ से सेब ले लेते हैं उनके लिए कुछ। भाई काम तो हो चुका है, बस अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत सिलेंडर पूरा हो चुका, बस अभी जो है सफाई चल रही है इन लोगों की, ये सफाई कर ले तो इसके लिए फिर खानी की तरकी और खाना खिलाएंगे, हम भी जो है आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। फिर बात कर कज़न का जो है उजरा है, बैठक सा बना हुआ है, वैसे उजरा एक उधर भी है और उन लोगों का घर वहाँ पर बन रहा है, और ये जो है यहाँ पीने के लिए जो है खाने की तरतीब माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत प्यारी जगह है यार। ये विलेज की जो जगह होते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, वैसे हमारी जगह भी विलेज में आती है लेकिन इतना नहीं है, वो बस सिटी का इलाका हो चुका है। तो दस यहाँ पे जो है दस्तरखान लग जाएगा और ये जो है एक कमरा सा है, ये हमारा सामान आ चुका है खाने का। हा? तो ये है क्या, वाह चावल माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो इतना गर्म है। गरम तो है ना, गरम कान है। ओ वाह नीटो का बहुत जबरदस्त जी सारा का कान दस जी भूख रूम कना रिक्शा तैयार है, लेंटर हो चुका है तो अभी जा रहे हैं घर, तो अल्लाह खैर खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका, हम दुआ गो हैं कि इनके लिए बरकत डाले। थोड़ा टाइम दुकान को हाँ बेता सुनो माँ।
ये मेरे पाए आ चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। और वहाँ पे बाजार में सिस्टम कुछ अच्छा था ही नहीं, तो मैंने कहा कि चलो घर में आके रिव्यू करता हूँ। और ये हमारा नाश्ता आज का, और ये सादा सी रोटी है ये जो बाजार में आम मिलती है। तो वही देखने वाले इसका उठाते हैं, आपको इसका गोश्त दिखाते हैं। ये गोश्त देखें कैसा ये नरम है, ये खुद ही टूट जाता है ये माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। तो वही एक निवाला उठाते हैं, इसमें काली मिर्च बहुत ज्यादा मजा करते हैं। अच्छा पाए में काली मिर्च हो तो और भी मजा जायका और अच्छा हो जाता है। और ये भाई ने जो वो नली डाली हुई थी, ये देखिए ये नली, लेकिन ये बिल्कुल इतना नरम है कि हाथ से जो है ये सारा जो है फैल गया है इसमें। वो मैं लेकर आ रहा था ना, तो ये एक निवाला इसका उठाते हैं, ये एक माशाल्लाह आहा। और इसमें बिल्कुल ये चिपक जाती है ये उंगलियाँ, इसमें चिपनावट ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई आज का नाश्ता मैं पूरा कर लेता हूँ, चाय भी मेरी पड़ी है। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और अभी जो है बाज़ार से आ चुका हूँ, सामान वगैरह कुछ शॉपिंग की है मैंने, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा। और आज हमारा नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त था, कज़न का लेंटर भी हो चुका तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारे घर बिरयानी भी पकी है, तो वो थोड़ा टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आहा माशाल्लाह भाई मेरी बिरयानी, वाह। तो ये हमारी बिरयानी, और ये भाई बिरयानी में गोश्त जो है उस्मान भी खा रहा है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको चावल पसंद है ज्यादा, ये बिरयानी की चावल, और ये गोश्त का टुकड़ा ज्यादा कर लेते हैं भाई। हा 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 माशाल्लाह। प्याज मम्मा दो बस भाई, ये बिरयानी के साथ गोश्त और थोड़ी सी ये वाली चटनी, और भी इसका मज़ा जो है अच्छा हो जाता है। हाँ, और साथ में एक प्याज भी। वैसे मुझे प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है इस बात का नहीं, तो इस वजह से मैं खाता हूँ हर एक चीज़ के साथ। और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, रंग जो है आपको मतलब सादा सा चावल का नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिरयानी उसमें सफ़ेद चावल कम है, आखिरी में आया हूँ बहुत इस वजह से। और माशाल्लाह गोश्त भी ज़बरदस्त है, नरम भी है, देखें आराम से टूट जाता है और ज़बरदस्त है। तो भाई दुआओं में याद रखना, व्लॉग पसंद आया हो। वैसे इस व्लॉग में जो है तीन खाने का है, एक लेंटर में, और उसके बाद सुबह का नाश्ता, और फिर ये जो है बिरयानी। दुआओं में याद रखना और नज़र ना लगाना। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।